हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो आज जो गाइस हम गेम खेलने वाले हैं एमपीएल पर वन जूनियर प्रो में। एंड गाइस ये गेम प्ले भी काफ़ी इंटेंस होने वाला है हमेशा की तरह, क्योंकि यहां पे हम जो है 11 राउंड लगने वाला है। सो समझ लो वीडियो कितना इंटेंस होने वाला है। सो वीडियो पूरा एंड तक वॉच करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जो कर देना, अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी जो कर लेना। ओके सो गाइस बात कर लेते हैं इस गेम प्ले की। हमारे पास देख सकते हो फर्स्ट राउंड में कार्ड की बात करें तो काफ़ी अच्छे हैं। सो मेरे पास देख सकते हो 10 आता, सो मैं यहाँ पे किंग डिस्कार्ड कर देता हूँ। अब देखो हमको वैलिड कार्ड तो है हमारे पास, हमको ओनली 2 वैलिड कार्ड चाहिए। और गाइस देखो बंदे ने हमको 4 ही डिस्कार्ड कर दिया। सो अब यहाँ पे थोड़ा डिसीजन लेना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे मेरा 8 का भी सेट नहीं हो सकता है और यहाँ पर क्वीन का भी। सो मैं यहाँ पर 8 का सेट ही नहीं करूँगा, हम यहाँ पर डिस्कार्ड कर देते हैं 10 हुक्म का, क्योंकि हो सकता बंदा 10 के अकॉर्डिंग क्लब में क्वीन डिस्कार्ड कर दे या फिर 8 भी डिस्कार्ड कर सकता है डिफरेंट कलर का। लेकिन बंदे ने देखो 5 डिस्कार्ड किया, सो हम 5 पिक नहीं करेंगे, क्लोडर से कार्ड पिक करेंगे। और यहाँ पे देखो मेरे पास अगेन क्लब में 10 आता, सो मैं यहाँ पे 10 डिस्कार्ड कर देता हूँ। लेकिन देखो बंदा 10 पिक कर गया, अब कहीं बंदा डिक्लेयर ना कर दे, और डिक्लेयर तो नहीं करता लेकिन हमको किंग डिस्कार्ड करता है। बट कोई नहीं, मेरे पास फाइनली डायमंड में 8 आ जाता है। सो डायमंड 4 के साथ करते हैं डिक्लेयर और इसी के साथ फिनिश। देखो गाइज हमने डिक्लेयर तो किया लेकिन ये बंदा ओनली 2 पॉइंट से लॉस हुआ है। वैसे बंदे ने देखो क्लब 10 के साथ प्योर से क्वेंस नहीं की, थी। और यहाँ पे हमको नहीं पता था कि इस बंदे को क्लब में 10 ही चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 10 का सेट नहीं करने लग जाता ना तो शायद बंदा डायरेक्ट 80 पॉइंट से लॉस हो सकता था। लेकिन फिर मेरा 8 का सेटअप मेरे हो जाता, लेकिन मेरे को कोई ना कोई तो कार्ड डिस्कार्ड करना ही पड़ता। खैर कोई नहीं, सो अगेन गाइज कार्ड रिसीड हो चुके हैं। एंड अगेन देखो तो कार्ड गाइज कार्ड की बात करें तो काफ़ी अच्छे हैं। देखो हमारे पास बंदे ने लकीली हमारी प्योर सिक्वेंस नहीं करवा दी डैंड में एस डिस्कार्ड करके। सो मैं यहाँ पे 10 डिस्कार्ड कर देता हूँ। अगर बंदा मेरे को सीक्वेंस का कार्ड नहीं ना डिस्कार्ड करता तो फिर मैं यहाँ पे क्लब में 3 डिस्कार्ड करता, क्योंकि मेरे पास 3 वैलिड था। और गाइस देखो बंदा भी मतलब के हद है यार, स्मॉल कार्ड डिस्कार्ड कर रहा है। सो मैं भी यहाँ पर 10 डिस्कार्ड कर देता हूँ डैंड में। ओके देखते हैं बंदे ने वैसे 2 डिस्कार्ड किया, तो मेरे को लग रहा है बंदे को प्योर सिक्वेंस की नीड है 6। चलो 6 रख लेते हैं एंड यहाँ पे 3 डिस्कार्ड कर देते हैं, क्योंकि 6 का सेट नहीं हो सकता है ना मेरे पास। बस एक कार्ड बंदा डिस्कार्ड कर दे किंग तो मज़ा ही आ जाएगा, क्योंकि हमारा सेट नहीं हो जाएगा फिर हम जो है डिक्लेयर कर सकते हैं डायरेक्ट। लेकिन बंदा भी देखो थोड़ा संभल कर प्ले कर रहा है, मेरे पास 4 आ चुका है। सो अभी भी यहाँ पर दिक्कत है कि कौन सा कार्ड डिस्कार्ड करें, किंग या फिर 6। किंग ही डिस्कार्ड करते हैं क्योंकि 6 पिक होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। सो किंग बंदे ने देखो पिक नहीं किया, लेकिन हाँ ये थोड़ी सी दिक्कत है कि अगर मेरे पास किंग आ गया तो हम जो है सेट रही नहीं कर पाएंगे। लेकिन देखो मेरे पास भी जे आया, अब भी हम यहाँ पे कहीं ना कहीं फंस चुके हैं। खैर कोई नहीं, मैं यहाँ पे क्लब किंग डिस्कार्ड कर देता हूँ। चलो बढ़िया, वैसे बंदा पिक नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर एस भी डिस्कार्ड हो चुका ओपन डेक में, सो चांस बहुत ही कम था। सो चलो बढ़िया, बंदे ने पिक नहीं किया। लेकिन यहाँ पर अब यहाँ दिक्कत यही है कि हमारे पास देखो बंदा कार्ड नहीं डिस्कार्ड कर रहा हम जिससे डिक्लेयर कर पाएँ, एक ही कार्ड चाहिए। और यहाँ पे देखो जे, सो मैं यहाँ पे क्लब जे भी अब डिस्कार्ड कर देता हूँ। बस एक कार्ड और डिक्लेयर, ओके हर्ट एस, पता नहीं बंदा कैसे कार्ड डिस्कार्ड कर रहा है। खैर कोई नहीं, मेरे पास हर्ट में 8 आ जाता क्लोडर से। सो जे के साथ करते हैं डिक्लेयर और इसी के साथ फिनिश। और गाइस देखो बंदा मतलब कि हद है यार, ओनली 5 पॉइंट से लॉस हुआ है। और बंदा क्वीन का सेट रहे कर रहा था, मैं यहाँ पे किंग का सेट रहे करने वाला था, लेकिन बंदे के पास देखो क्वीन तो काफ़ी सारी थी। चलो कोई नहीं, सो अगेन गाइस कार्ड रिसीड हो चुके हैं। एंड गाइस कार्ड दे सो तो अगेन कार्ड तो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे दे सो तो पॉइंट 45 है हमारे फर्स्ट एंड सेकेंड लाइफ रहे होने के बावजूद भी। और यहाँ पर दे सो तो 40 पॉइंट बंदा प्ले कर रहा, कोई नहीं हम भी यहाँ पर सोच रहे हैं प्ले करेंगे अगर यहाँ पे एक बंदा ड्रॉप कर देगा तो। देख सकते हो एक बंदा ड्रॉप कर चुका है, अब हो सकता है ये बंदा भी ड्रॉप कर दे शायद, लेकिन कुछ कह नहीं सकते, बंदे अपनी अपनी थिंकिंग से प्ले करते हैं। और गाइस देखो बंदा यहाँ पे प्ले कर गया, सो किंग डिस्कार्ड किया, कुछ कोई नहीं मैं यहाँ पे क्लोडे से कार्ड पिक करता हूँ। चलो बढ़िया, मेरे पास जोकर ही आ चुका है, सो मैं यहाँ पर डैंड में 10 डिस्कार्ड कर देता हूँ। और गाइस बंदा पिक कर जाता है क्योंकि मेरे पास डबल था ना कार्ड, सो पिक होने के चांस बहुत ज़्यादा थे, सो इस वजह से बंदे ने पिक कर लिया। ओके बंदे ने डायमंड 8 डिस्कार्ड किया, कोई ना हम यहाँ पे क्लोडे से कार्ड पिक करते हैं। और यहाँ पे देखो भाई क्वीन आई मेरे पास, सो क्वीन को रख लेते हैं एंड 10 अगेन डिस्कार्ड कर देते हैं।
वैसे यहाँ पे क्वीन के लेटर भी कोई कार्ड आ जाएगा तो हम यहाँ पिक कर सकते हैं। ओके बंदे ने क्वीन डिस्कार्ड किया, कोई नहीं, हम यहाँ पे क्लोडे से कार्ड पिक करते हैं। और यहाँ पे देखो मतलब कि हद यार, सिक्स आ रहा है मेरे पास डैंड में, जो मेरे पास पहले से ही कार्ड है, हर्ड में सिक्स आ जाता जिससे कि मेरा कोई वैलिड कार्ड तो नहीं हो पाता। एट भी यूजलेस ही है, सो क्लोडे से कार्ड पिक करते हैं। चलो टू आ चुका, सो हम यहाँ पे डैंड में सिक्स डिस्कार्ड कर देते हैं। और गाइस देखो बंदा डैंड में सिक्स पिक कर गया। वैसे मेरे हिसाब से बंदे का कहीं ना कहीं ट्रैप था, बंदे ने सेवन डिस्कार्ड किया, हमने इसको सिक्स डिस्कार्ड किया, तो बंदा जो है या तो सेट नहीं कर रहा होगा या फिर बंदे ने सीक्वेंस नहीं किया, क्योंकि बंदे के पास सेवन डबल भी हो सकता है। चलो कोई नहीं, मेरे पास दे सकते हो एक और जॉकर आ चुका, मतलब मेरे पास एक जॉकर था और कहाँ पर दे सकते हो, हमारे पास अब तीन जॉकर हैं और एक ही कार चाहिए डिक्लेयर करने के लिए, सो आ सकता भी है नहीं, चांस तो हैं थोड़े, खैर कोई नहीं। और यहाँ पे देखो क्लब सिक्स, सो क्लब सिक्स ही डिस्कार्ड कर देते हैं। वैसे हमने गाइस यहाँ पे क्लब थ्री डिस्कार्ड किया हुआ था, इस वजह से बंदे ने सिक्स नहीं पिक किया। ओके देखो बंदे एक दूसरे कार्ड तो पिक नहीं कर ले, जे यूजलेस है, कोई नहीं, क्लोडे से कार्ड पिक करते हैं। ओके और फाइनली कह दिया तो मेरे पास जॉकर आ जाता है, सो थ्री सा करते हैं डिक्लेयर और इसी के साथ फिनिश। और गाइस देखो बंदे को देख रहे हो कितना गुस्सा आ रहा है, मतलब कि बंदे के टू पॉइंट लगे हैं फिर भी देखो बंदे को कितना गुस्सा आया, मतलब कि टू पॉइंट भी नहीं बंदे के लगने चाहिए। चलो कोई नहीं, अब तो लग चुके हैं, बंदा क्या ही कर सकता है। सो अगेन गाइस कार्ड सीड हो चुके हैं एंड गाइस देखो बैक टू बैक हमारे पास ओपी कार्ड आए जा रहे हैं। खैर कोई नहीं, हम यहाँ पे क्लोडे से कार्ड पिक करते हैं। ओके देखो गाइस अब हमको चाहिए ओनली वन वैलिड कार्ड, मतलब हमारी सेकेंड लाइब्रेरी होगी थर्ड भी। अब हमने हर्ड टेंट तो डिस्कार्ड किया, अगर बंदा फॉलो करेगा तो फिर तो हम जो है डिक्लेयर कर पाएंगे, क्योंकि हमको क्लब में टेन आ गया या फिर क्लब में किंग आ गया तो हम जो है हम डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन बंदे आपको पता है फॉलो नहीं करते। कोई नहीं क्लोडे से कार्ड पिक करते हैं, जे है तो जे रख लेते हैं एंड हम यहाँ पे फोर डिस्कार्ड कर देते हैं, क्योंकि जे का सेट भी नहीं हो सकता है ना, सो हमको चांस रहना देना चाहिए। वैसे बंदे ने एस डिस्कार्ड किया तो डैंड में जे भी डिस्कार्ड कर सकता है, लेकिन देखो बंदा क्वीन डिस्कार्ड करता है। कोई नहीं क्लोज डेक से कार्ड पिक करते हैं। ओके और यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास टेन आ चुका है, सो मैं अब यहाँ पे सिक्स भी डिस्कार्ड कर देता हूँ, क्योंकि मैंने फोर पहले भी डिस्कार्ड किया हुआ है। अब हमारे पास चांस तो काफ़ी सारे हो गए हैं, बस बंदा कोई गलती करे तो फिर तो भाई मज़ा ही आ जाएगा। खैर देखते हैं। ओके देखो क्लब बेट, कोई नहीं क्लोडे से कार्ड पिक करते हैं। ओके मेरे पास फाइनली गाइस क्लब नाइन आ जाता है, सो जेक साथ करते हैं डिक्लेयर और इसी के साथ फिनिश। और गाइस यहाँ पे बंदे को एक बार और गुस्सा आया, मतलब कि बंदे के 14 पॉइंट लगे और फिर भी बंदा गुस्सा कर रहा है। अब देखो गाइस बंदे को इस वजह से गुस्सा आ रहा है क्योंकि हमारे पास बैक टू बैक ओपी कार्ड आ रहे हैं, मतलब हमने देख सकते हो लगभग फोर टाइम डिक्लेयर कर दिया है और यहाँ पे देख सकते हो अगेन कार्ड, मतलब एक जॉकर आ रहा है, एक भी और सिक्वेंस आ रही है, वैलिड कार्ड भी काफ़ी सारे आ रहे हैं। और यहाँ पे देखो 56 पॉइंट वाला बंदा प्ले कर रहा है, इस बंदे नाइन डिस्कार्ड किया, सो हम यहाँ पे नाइन पिक कर लेते हैं एंड यहाँ पे हर्ड किंग डिस्कार्ड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो हमारे पास जितने वैलिड कार्ड रहेंगे उतना ही हमारे लिए बेनिफिट है। अब देखो मेरे को ये तो पता कि ये बंदा क्लब टेन डिस्कार्ड नहीं करेगा, लेकिन हमारे पास क्या पता क्लोडे से या फिर टेन या फिर नाइन आ जाए, सॉरी सेवन आ जाए। ओके यहाँ पे देख सकते हो एक और हमारा चांस क्रिएट हुआ है, सो यहाँ पे हम क्लब एस डिस्कार्ड कर देते हैं, क्योंकि टू तो वैसे भी नहीं आ सकता तो हमारे लिए एस यूजलेस हो गया ना। वैसे यहाँ पे 91 पॉइंट वाला बंदा तो एलिमिनेट हो जाएगा मेरे हिसाब से, लेकिन यहाँ पे 56 पॉइंट वाले बंदे को हम एलिमिनेट करें तब जाके मज़ा आएगा, क्योंकि इस बंदे को एलिमिनेट करना जरूरी है। और गाइस देखो ये बंदा तो खुद ओपन ऐसे कार्ड पिक कर गया। ओके देखो मेरे पास अगेन एस आया, सो इसी को डिस्कार्ड कर देते हैं। और यहाँ पे देखो 91 पॉइंट वाला बंदा भाई साहब एस पिक कर गया। और गाइस देखो मतलब कि हद है यार, 56 पॉइंट वाला बंदे ने देखो क्लब जे के साथ डिक्लेयर किया, और सॉरी जोकर के साथ, मतलब कि बंदे के पास जोकर तो काफ़ी सारे थे। चलो कोई नहीं 22 पॉइंट लगे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी सी दिक्कत है, 22 पॉइंट नहीं ज़्यादा लगने चाहिए थे, 20 लग जाते फिर हमको कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि हमारे पास ड्रॉ का ऑप्शन कम हो गया ना एक। खैर कोई नहीं, फिर भी बहुत है हमारे पास ऑप्शन। सो अगेन गाइस कार्ड सीड हो चुके हैं एंड अगेन दे सकते हो गाइस कार्ड क्लब सिक्स के साथ, दे सकते हो हमारी प्योर सिक्वेंस रही हो चुकी है, सो हमारे पास दे सकते हो काफ़ी सारे और भी कार्ड रही हो चुके हैं, सो हम यहाँ पे फोर डिस्कार्ड कर देते हैं। ओके देखो बंदा फोर ही पिक कर गया,
खैर कोई नहीं, मेरे लिए इनवैलिड कार्ड था तो बंदे लिए वैलिड तो होगा ही होगा। देखते हैं गाइज यहाँ पे डीलर ड्रॉप करता है या फिर प्ले। ओके ड्रॉप भी कर देता है, देख सो तो मेरे पास 2 भी आ चुका है। सो अब यहाँ पे हम हर्ट 5 डिस्कार्ड करें या फिर 10। चलो 10 डिस्कार्ड कर देते हैं क्योंकि वैसे ही मेरे पास हर्ट में 10 आगा तभी हम डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके अब हमारे पास चांस तो काफ़ी सारे हैं लेकिन बंदा देखो एस डिस्कार्ड करता, कोई नहीं क्लोडा से कार्ड पिक करते हैं। ओके और फाइनली गाइज मेरे पास 10 आ जाता है। सो क्लब 10 के साथ करते हैं डिक्लेयर और इसी के साथ फिनिश। और गाइज दे सो तो ये बंदा ओनली आई थिंक 31। ओके 31 पॉइंट से लॉस हुआ है। वैसे बंदे को क्लब 10 चाहिए था और देखो हमने हुकुम का 10 डिस्कार्ड किया, मतलब कि अगर हम क्लब 10 डिस्कार्ड कर देते ना तो शायद ये बंदा और पॉइंट डाउन करके, शायद इस बंदे के पास ऑप्शन रहता ड्रॉप करने का मेरे हिसाब से, और पॉइंट डाउन कर सकता था। खैर कोई नहीं, सो अगेन गाइस कार्ड सीड हो चुके हैं एंड अगेन देख सकते हो गाइस कार्ड इस बारी तो बहुत ही हमको गंदे कार्ड मिले हैं, देख ही सकते हो। कोई दिक्कत है नहीं क्योंकि हमारे फिर भी सबसे देख सकते हो डाउन पॉइंट है और यहाँ पे 76 पॉइंट का बंदा ओनली 1 टाइम ही ड्रॉप कर सकता है और हम मैं जो काफ़ी सारे हमारे पास ऑप्शन अभी भी ड्रॉप करने के। सो हम यहाँ पे करते हैं ड्रॉप एंड करते हैं 6 साथ बैट स्किप। ओके देखते हैं यहाँ पे कौन बंदा डिक्लेयर करता है। सो फाइनली गाइज यहाँ पे देख सकते हो 76 पॉइंट वाला बंदा डिक्लेयर कर देता है और यहाँ पे 98 पॉइंट वाला बंदा भाई साहब डायरेक्ट एलिमिनेट हो जाता है। अब वो बंदा रिजोन भी हो सकता था चाहता तो, लेकिन वो ऐसी गलती नहीं करता क्योंकि उसको भी पता है देखो हमारे पास 2 टाइम ऑप्शन है ड्रॉप करने का और उसके पास रहता ओनली 1 टाइम ऑप्शन है, तो इस वजह से बंदे ने रिजोन नहीं किया। खैर कोई नहीं, अगेन गाइज कार्ड देख सकते हो हमारे पास कार्ड तो देख सकते हो वैलिड थे लेकिन हमारे पास जोकर नहीं था। खैर कोई नहीं, बंदे पास हमारे से भी बहुत ही गंदे कार्ड थे लेकिन हमको अब पता थोड़ी ना था कि इस बंदे पास गंदे कार्ड हैं या अच्छे कार्ड हैं। खैर कोई नहीं, जैसे भी थे। सो अगेन गाइस कार्ड सीड हो चुके हैं एंड अगेन देख सकते हो गाइस कार्ड। अब यहाँ पे कार्ड्स की बात करें ना काफ़ी अच्छे लग रहे हैं मेरे को, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर ड्रॉप करेंगे क्योंकि हमारे पास चांस बहुत कम है वो कार्ड आने के, जैसे कि डैंड में 10 या फिर डैंड में 7। सो इस वजह से हम ड्रॉप कर देते हैं और इस बंदे पास तो गाइस काफ़ी ओपी कार्ड है। देख सो तो बंदा एस का सेट नहीं कर रहा था कहीं ना कहीं, तो हमारे पास एस तो नहीं आने देता लेकिन हाँ 10 भी शायद आ जाता। ओके सो अगेन गाइस कार्ड सीड हो चुके हैं एंड अगेन देखो भाई कार्ड। खैर कोई नहीं, जैसे मिले हैं प्ले तो करना ही पड़ेगा। सो मेरे पास 10 के साथ प्योर सिक्वेंस नहीं हो चुकी है। सो हम यहाँ पर 10 में 3 डिस्कार्ड कर देते हैं। ओके बंदे ने 10 डिस्कार्ड किया, कोई नहीं हम यहाँ पे क्लोडा से कार्ड पिक करते हैं। चलो हमारे पास जोकर आ चुका है सो हम यहाँ पे क्लब एस डिस्कार्ड कर देते हैं क्योंकि मेरे को क्लब में किंग चाहिए। सो हम किंग का सेट रहे करेंगे और ऐसा ही होता है गाइस ये बंदा किंग डिस्कार्ड कर देता है। सो हम यहाँ पे किंग का सेट रहे कर लेते हैं एंड यहाँ पे डिस्कार्ड कर देते हैं क्लब क्वीन। अब देखो गाइस हमको ओनली 10 पॉइंट डाउन करने हैं इस गेम प्ले को सर्वाइव करने के लिए, सिर्फ 10 पॉइंट। लेकिन बंदा देखो एस डिस्कार्ड करता, कोई नहीं क्लोडा से कार्ड पिक करते हैं। यहाँ पे 8 आया सो मैं यहाँ पे हुकुम का जे डिस्कार्ड कर देता हूँ और गाइस देखो बंदा हुकुम का जे पिक कर जाता है। अब कहीं बंदा डिक्लेयर ना कर दे तो मेरे को ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं बंदे ने हुकुम के जे के साथ पे और सिक्वेंस नहीं की है। खैर देखो बंदे ने हर्ट क्वीन डिस्कार्ड की है सो हर्ट क्वीन हमारे काम की तो नहीं है, सो क्लोडा से कार्ड पिक करना पड़ेगा। ओके यहाँ पर देख सो तो क्लब 8 आ चुका है। सो हम यहाँ पे हुकुम का 7 डिस्कार्ड कर देते हैं और गाइस देखो बंदा हुकुम का 7 पिक कर गया और 9 डिस्कार्ड गया, कोई नहीं क्लोडा से कार्ड पिक करते हैं। और यहाँ मेरे पास देखो 4 आया सो हम यहाँ पे 8 डिस्कार्ड करेंगे, फिर भी हम इस गेम प्ले को सर्वाइव तो नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे कौन सा कार्ड डिस्कार्ड करें कोई समझ नहीं आ रही क्योंकि यहाँ पर बंदे ने एक और कार्ड पिक किया ना, तो मेरे हिसाब से 101% बंदा डिक्लेयर करने वाला है। सो यहाँ पे बहुत ही कंफ्यूजन हो रही है। चलो 4 ही डिस्कार्ड कर देते हैं लेकिन बढ़िया, चलो बंदे ने 4 डिस्कार्ड नहीं किया लेकिन फाइनली गाइस बंदा हमको 8 डिस्कार्ड कर देता है। सो हम यहाँ पे 8 पिक कर लेते हैं क्योंकि 8 का हमारा सेट रही हो रहा है। सो अब हम यहाँ पर डिस्कार्ड कर देते हैं डायमंड में 6। ओके चलो बढ़िया, बंदे ने पिक नहीं किया लेकिन यहाँ पे मेरे हिसाब से डिक्लेयर जरूर कर देता है, मेरे को ऐसा लग रहा है। ओके 5 डिस्कार्ड किया बंदे ने, कोई नहीं क्लोडा से कार्ड पिक करते हैं। ओके मेरे पास 7 आता सो हम यहाँ पे 7 ही डिस्कार्ड कर देते हैं।
कहीं बंदा पिक ना कर ले सेवन, बट मेरे को लग रहा बंदा पिक करेगा कार्ड। ओके, लेकिन बंदे ने सेवन पिक नहीं किया, लेकिन क्लोडस से कार्ड पिक करता है और इसी के साथ फाइनली डिक्लेयर गाइस जोर कर देता है। खैर कोई नहीं, हमारे ओनली 5 पॉइंट लगे हैं और हम इस बैट को सर्वाइव कर चुके हैं। और गाइस देखो, बंदे को किंग चाहिए था हुक्म का, लेकिन चलो बढ़िया हुआ हमने किंग का सेट नहीं किया और अच्छे से हमने इस गेम प्ले को प्ले किया और सर्वाइव कर गए। खैर कोई नहीं, सो अगेन गाइस कार्ड रिसीव्ड हो चुके हैं। एंड गाइस कार्ड देखो, ओपन डेक में जोकर दिया जा रहा है ओपनर प्ले को, लेकिन गाइस ये बंदा जो है ड्रॉप कर देता है, क्योंकि इस बंदे को ओपन ऐसे जोकर मिल रहा था, बाकी इस बंदे पास कोई भी अच्छे कार्ड नहीं थे और ड्रॉप कर देता है। एंड गाइस ये बंदा हमको भेजता सेपरेट पैकेट का सेंड और हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेते हैं। सो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।